किसी स्टार की स्टारडम कब चली जाए और हमेशा फैन से घिरे रहने वाला सेलिब्रिटी कब तन्हाई की जिंदगी जीता हुआ इस दुनिया को अलविदा कह जाए, ये कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ हुआ बॉलीवुड के मशहूर विलन महेश आनंद के साथ, जो शनिवार की रात इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। के दशक के फिल्मों में अपनी खलनायकी से पहचान बना चुके मशहूर विलन महेश आनंद अपने यारी रोड स्थित घर में मृत पाए गए। वह 57 वर्ष के थे। 90 के दशक में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाले महेश आनंद की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। महेश आनंद ने लंबे समय से कोई फिल्म साइन नहीं की थी। यही कारण था कि वह लगभग 18 साल से फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे। हाल ही में उन्होंने गोविंदा के फिल्म रंगीला राजा से कमबैक किया था। महेश आनंद आखिरी बार 18 जनवरी को रिलीज हुई पहलाज नीलानी की फिल्म रंगीला राजा में नजर आए थे। महेश आनंद ने 18 साल तक फिल्मों से दूर रहने के बाद प्रोड्यूसर पहलाज नीलानी की फिल्म रंगीला राजा साइन की थी। महेश आनंद ने रंगीला राजा के मिलने की कहानी शेयर करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे निहलानी जी की तरफ से एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कॉल मी। मैंने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने कहा कि बेटा कितने बजे आओगे ऑफिस। उन्होंने यह भी बताया कि मेरे पास ऑफिस तक जाने के लिए ऑटो रिक्शा का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। इससे पहले महेश आनंद ने पहलाज निहलानी की फिल्म अंदाज और आग का गोला में काम किया था। महेश आनंद ने शहंशाह, मजबूर, स्वर्ग, थानेदार, विश्वतामा, गुमराह, खुददार, बेताज बादशाह, विजेता और कुरुक्षेत्र जैसी हिट फिल्मों में बेहतरीन अभिनय से पहचान बनाई थी। महेश 80 और 90 के दशक में विलन के रूप में काफी लोकप्रिय थे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।